अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शुक्लक रिएक्शन। मैं मोहम्मद शावीज। ओके, सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक Z5 में आने वाले एक पाकिस्तानी ड्रामा के मतलब कि इट्स अ वेब सीरीज, टाइप ऑफ वेब सीरीज। और आई थिंक इसकी इसका बस काफ़ी हाई था इंडिया में भी रिसेंटली। एंड इसमें है नौमान एजाज इन द लीड रोल विथ सबा कमर। यू रिमेंबर सबा कमर, राइट? सबा कमर, कमर खमर कमर खमर, यू डोंट नो? इरफान खान के साथ एक फिल्म की थी उन्होंने हिंदी मीडियम। अरे ऑफ कोर्स, हाँ, तमिल में तो दिख रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आई नो आई नो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड मिसेस एंड मिस्टर शमीम। शी किल्ड दैट रोल मैन। या सो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑन द दिस ट्रेलर। उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। इट्स 44.8 मिलियन व्यूज ऑलरेडी, वन मंथ हो चुका है। आई थिंक ये ड्रामा भी आ चुका है। सो या लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। एंड उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट। एंड यू कैन फॉलो अस इंस्टाग्राम, इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इस हॉस्टल में लड़के नहीं आएंगे तुम्हें लेने के लिए। मैम, ये आपको कहाँ से लड़का लग रहा है? अबे मैम को हेलो बोल। हेलो, चलो ठीक है, थैंक यू। अबे ये लड़का समझ रही, पहले लगाते हैं। अच्छा वो कौन है जिसे देख के तुझे कुछ कुछ होता है? तुझे देख कर कुछ कुछ होता है? क्या कर रहे हैं? मोहब्बत, ये मुझे आवाज़ें देता रह गया। मैं तो एक मर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार थी जो बड़े आराम से मुझे एक हाथ से उठा लेता, फिर उसी सहूलत से उसने मुझे जमीन पे दे मारा। निकल जा इस घर से, तेरा हमारा कोई वास्ता नहीं है। थोड़ा क्या मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं भैया, आप फिक्र ना। दाल में कुछ काला है, बचा ले अपने इकलौते को इस लड़की से। उम्मीद से शादी कर रहा हूँ, बस फैसला कर लिया। तू क्या है, कभी देखा था ना वो आज तक खुद को? मीना से शादी करे, मरा लावारिस होगी। लेकिन इतनी भी गरीब गुजरी नहीं कि तुझसे शादी करूंगी मैं। खुदा नहीं बनना चाह रहा हूँ, मैं दोस्त बनना चाह रहा हूँ फिर से। इसी पर तो भरोसा कर। क्या औरत को ऐसा मर्द चाहिए होता है जो मारे पीटे? अगर हमारा निकाह नामा तुम्हारे लिए सर्टिफिकेट है, कल को बच्चे ने स्कूल जाना है, नाम की जरूरत पड़े मैं दूंगा ना उसे अपना नाम। किसी और का बच्चा नहीं है, मेरा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको बेहतर बनाने। कोई जरूरत नहीं बदलने की। शमीम की जूती के बराबर मैं समझती थी। इसे क्या पता कि मोहब्बत क्या होती है? कैसी पागल थी मोहब्बत की, जो रम्स ये जानता था उसकी तो अभी बेबी नहीं आती थी मुझे। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की, और एक ये इसने तो मोहब्बत जी। आई थिंक मेरे हिसाब से, आई डोंट नो अबाउट यू, वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी ट्रेलर अब तक मैंने देखा। अमेजिंग यार, बाप रे बाप, व्हाट एन एक्टिंग। ट्रेलर्स बहुत देखे हैं, आई हैव सीन हिम अ लॉट, आई गॉट गूज़बम्प्स। या वी हैव सीन दैट द लीड एक्टर अ लॉट। आई कांट एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट के नौमान एजाज इज डूइंग दिस रोल। मैंने जब भी उनको देखा है, ही इज अ हार्डकोर बंदा, यू नो। रिसेंटली हमने परिजात में देखा था उनको, एंड सिंफ संगे मा जो कि आतिफ असलम में, ही इज प्लेइंग, यू नो, एक पावरफुल एक्टर है वो। एकदम उनकी आवाज, उनका ढंग, उनका रहे, वो बंदा इस तरीके का रोल कर रहा है, जस्ट कांट, यू नो। इट वॉज अमेजिंग एक्चुअली वॉचिंग हिम डूइंग दिस काइंड ऑफ रोल, इज अमेजिंग। आई थिंक He have done it amazingly. कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ, वो यू नो फ्लॉ दिख रहा नहीं था वहाँ पर। He was doing it very natural दिख रहा था बहुत। Exactly. And the storyline felt like,
ऐसे होते ना थोड़े माइंड ब्लास्ट कर देते हैं आजकल कंटेंट की दुनिया में, यू हार्डली फाइंड कंटेंट जो आपको माइंड ब्लास्ट करते हैं। हाँ, एंड वो एक्चुअली कंपटीशन भी बहुत, वो माइंड ब्लास्ट करने का, वो इफेक्ट क्रिएट करने का वो ज़्यादा स्टिफ हो चुका है वो कंपटीशन वो। लेकिन यहाँ पे ऐसे वक्त पे ही ब्लास्टेड माई माइंड, लाइक आई डोंट एक्सपेक्टेड वहाँ पे क्या वो कैसे रोल है वो का इन द स्टोरी एंड द वेरी थॉट कि कैसे एक ऐसे इंसान को जिस बोलचाल में ऐसा है वो मोहब्बत में पड़ जाता है एंड देन हाउ दे हैव किड्स एंड इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बोल रहे थे ना। एंड एक्चुअली यू नो इट्स वेरी वेरी ट्रू जो है ना आमिर खान बोल रहे थे परसों इंटरव्यू में कि उन्होंने बोला कि आजकल जो OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं तो आपको लगता है क्या मूवीज़ को उसमें थ्रेट है? वो बोले कि नहीं 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 समझ में वो इसमें कोई थ्रेट नहीं है, उसमें ऐसे बहुत सारा कंटेंट है जैसे बहुत सारे कहानियां हैं जो कि 3 घंटे में बता नहीं सकते हम, जिनको कुछ 8-9 एपिसोड्स या 20 या 30 एपिसोड्स होने ज़रूरी हैं ऐसी कहानियाँ बनाने की जो इसकी डेप तक ले जाने के लिए। मैंने बोला कि आमिर खान ने तो गलत बात कर दी है, तो कैसे मतलब कोई भी कहानी हो उसको श्रिंक करके हम 3 घंटे में बयान कर सकते हैं हम, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट ने देखा इसको 3 घंटे में बयान करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई जस्ट वांट टू चेक कि इसके एपिसोड्स कितने हैं बिकॉज ऑलरेडी इट्स देयर नो, बिकॉज जिस तरीके का ट्रेलर मुझे दिखा ये बहुत ही काफ़ी बड़ी स्टोरी दिखी मुझे, दे आर वेरी डिफरेंट लेयर्स ऑफ द स्टोरी। एग्जैक्टली, जैसे कि उनकी जवानी से लेके आई थिंक दे आर वेरी एल्डर मेच्योर गाय वहाँ तक की मैंने कहानी देखी एंड हाउ ही इज लिफ्टिंग द डंबल्स एंड ऑल दैट कि वो प्रूफ करें एंड देन आई थिंक यस कभी ना कभी ये एक कॉन्सेप्ट होता है ये कि इफ़ यू वांट टू चेंज समवन्स परसेप्शन एक ऐसे कैरेक्टर को लाओ को जो उनके बीच का नहीं हो, जो कि इट्स हैव 20 एपिसोड्स उतना ही 20 एपिसोड्स। तो बेसिकली क्या होता है ना कि वो वही फार्मूला अपनाया गया था मुन्ना भाई MBBS में, वही फार्मूला था PK में कि एक अगर आपको फॉर एग्जांपल मर्द लोगों को एक फीमेल आके कुछ बोले या फिर उनको चेंज करना चाहे तो इट्स डिफरेंट, बट एक ऐसा जो कि नाइदर जो बिलोंग करता हो उसको कैरेक्टर को लाकर उसको एक्सप्लोर करने छोड़ें मर्द की, वो उसके परसेप्शन से देखें, दैट्स व्हेन वी अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ मर्द में फ्लॉज हैं। और ही सेज ना कि डू यू वांट अ मैन हु बीट्स यू, लाइक बेसिकली जो मारे पीटे जो मैन हैंडल कर, तो दैट एक्चुअली सेज कि किस हद तक वो जा रहे हैं, क्योंकि मर्दानगी का मतलब वही होता है ना कि जो मारे जो यू नो हुकुम अपना चलाए और एक राइट उनकी इंस्टिल करे एक वुमेन के ऊपर, तो उसी को मर्दाना कह सका जाता है, वो मतलब एक एक्सेप्टेड थॉट है, वो एक हर्ड मेंटालिटी है वो, तो इसको ये डिफाई करता है वो एंड इन हाउ ब्यूटिफुल मैन अ मैन एग्जैक्टली दैट्स एक्चुअली एंड ऑब्वियसली शी किल्ड दैट रोल शी हैज डन अमेजिंग सबा कमर इज एन अमेजिंग इंग्लिश मीडियम में जो उन्होंने किया था इरफान खान साहब के साम आगे जो किया था उन्होंने, एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी मूवीज़ बने थे अब तक इरफान खान की मूवीज़ में उसमें क्या था कि इरफान खान डोमिनेट कर देते हैं, मेन एक्टर हो लीड हो जाए कोई भी हो साइड रोल करो डोमिनेट कर देते हैं वो अपने एक्टिंग स्किल से इतने बहुत सारे मूवीज़ में। इसमें एक ही था जिनकी टक्कर है एक्ट्रेस आई थी उनकी जिन्होंने मतलब खटिया खड़ी कर दी इरफान खान की भी उस मूवी में, कॉम्पिटिशन था नहीं लेकिन वो बेहतर एक्टिंग से इरफान खान इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स जिन्होंने आई थिंक उनकी हस्ती है अब तक की हिस्ट्री चाहे वो मकबूल हो उतने बड़ी फिल्म में उतने उनके साथ बड़े एक्टर्स हो या फिर कोई भी अभी तक उन्होंने कभी भी उनको कोई भी हो यू नो छपा नहीं पाया, बट यहाँ पर आई एग्री विथ हिम कि सबा कमर ने वहाँ पर बहुत गिल्डेड कॉम्पिटिशन दिया। एंड कौन भाई इरफान खान साहब के सामने अपने आप को एक रिस्टैब्लिश करना ही रोल बड़ी बात होती है, एंड इवन कि जब इंडियन ऑडियंस उनको जानती भी नहीं थी उस वक्त सवा कमरों कोई जानता नहीं था एंड शी किल्ड दैट रोल, व्हाट एन अमेजिंग, जैसे कि हमने एक बार डिस्कशन भी किया था पिछले साल में कि व्हेन शी प्लेज द रोल ऑफ अ पुअर गर्ल शी इज लाइक कंप्लीटली पुअर, जो एलिट की प्ले करती है वो मैनरिज्म में चेंज होती है उनकी, आई थिंक इफ यू हैव सीन इंग्लिश मीडियम यहाँ पे, तो व्हाट एन अमेजिंग सिर्फ भाई कंसिडर करती है उसको एक सेफ फील करती है साथ में उनके एंड देन ही रिवील्स कि आई लव यू एंड देन शी सेज कि नो वी कैन नॉट मैरी एंड देन दे गेट एंड इट्स लाइक स्टोरी पता है बट हाउ दे गेट ऑन टू दैट कैसे कैसे डेली लाइफ वेरी हैप्पी थिंग इट गोज टू अ वेरी इंटेंस ड्रामा, आई थिंक इट्स अ जर्नी विच शुड बी एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वॉच दिस, या इवन आई वांट टू वॉच इट। 20 एपिसोड्स वक्त लगेगा लेकिन देखेंगे जरूर, अगर देख लिया तो जरूर एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे। सो या दिस वॉज अवर रिएक्शन ऑन मिसेस एंड मिस्टर शमीम ट्रेलर एंड वी लव्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग अस दिस बिकॉज बहुत ही अमेजिंग ट्रेलर था।
सो या जैन सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड कैन फॉलो इंस्टाग्राम्स के लिए डिटेल्स इन द एंड। दिस इज मोहम्मद शाबिज, मोहम्मद इनायत साइनिंग ऑफ।